सरोकार। मध्य प्रदेश में जून महीने में घटी हवाई यात्रियों की संख्या, भोपाल में 8 और इंदौर में 6,000 यात्री घटे। इंदौर के कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी, अगले 2 दिनों में बनेगा स्ट्रॉन्ग सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्ग की सजा पर लगाई रोक, 2 साल की सजा भुगत चुका है बुजुर्ग। जबलपुर में पंडोका सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री पर टिप्पणी का मामला, हाईकोर्ट ने नए कानून के तहत दिया आदेश। रतलाम में अतिक्रमण हटाने पहुंचा नगर निगम और ट्रैफिक अमला, दुकानों के बाहर से उठाया सामान। टीवी में हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम मध्य प्रदेश का, जहां झाबुआ जिले के अंतर्गत भगोर के पास हायर सेकेंडरी स्कूल में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, जहां स्कूल प्रचार ने जिला कलेक्ट्रेट, जिला शिक्षा अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बिना सहमति के स्कूल का ड्रेस कोड बदल दिया। वही प्रचार ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी जनप्रतिनिधियों को अवगत करा दिया था, लेकिन इस क्षेत्र के सदस्य धन सिंह से हमने स्कूल प्रांगण में ही चर्चा की तो उन्होंने ड्रेस कोड बदलने का घोर विरोध करते हुए प्रचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। वही बिना सहमति से स्कूल ड्रेस का कोड बदल दिया गया था, और जिसके बाद कई तरह के विरोध खुलकर सामने आए। यहाँ पर छात्रों को जो पैसा नहीं दिया गया है उसके बारे में अभी हमको जानकारी नहीं, हम सर से बात करेंगे, और अगर नहीं मिला होगा तो क्यों नहीं मिला उसके बारे में हम सर से बात करेंगे। अगर स्कूल प्रशासन की गलती होगी तो हम कार्रवाई के लिए प्रशासन से अवगत करेंगे और कलेक्टर मैम को इसके बारे में बताएंगे। दो ड्रेस कितने पड़ रही? तो 2500 में। 2500 रुपये? तो यहाँ से कोई प्राचार्य ने बोला था कि ड्रेस बनवा के लाओ? अच्छा, शासन से कोई पैसा मिला ड्रेस का? अभी तो नहीं मिला। अभी तो नहीं। कौन सी क्लास पढ़ रहे हो तुम? 11। अच्छा, ये ड्रेस 12वीं के लिए भी लागू करी कि दूसरी क्लास के लिए भी? सबके लिए लागू। 12। कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारा? बायो। बायो। कितनी ड्रेस का बोला तुम्हारे को? दो ड्रेस। एक ड्रेस कितने में पड़ रही है? 1000। 1000 में? तो दो ड्रेस का कितना हो गया? 2500। सिलाई सहित? हाँ। शासन से कोई पैसा मिला तुम्हारे को? अभी तक नहीं मिला। अभी घर से सक्षम नहीं है तो पैसा नहीं है तुम्हारे पास? हाँ। जब वजह से ये ड्रेस बुलवा रहे हैं ना। हाँ। और दूसरा, आपको ये आदेश किसने दिया? ये प्राचार्य। और हाई स्कूल के इसमें किसी ने ड्रेस कोड का कोई ट्राइबल डिपार्टमेंट से कोई निर्देश नहीं? एक मामला मैडम फूटा है आपका है हाई स्कूल का, जहां प्राचार्य द्वारा अपना ही कोड लागू कर दिया, दो ड्रेस का नियम चालू करा है, और एक बच्चे को पर ड्रेस 2500 रुपए में पड़ेगी, क्या मैडम सही है? नहीं, ये मैं पता करवाती हूँ कौन से स्कूल का बोल रहा हूँ। फूटा है मैडम, हाई स्कूल फूटा है। फूटा है, चेक करवा लेते हैं, क्योंकि ऐसे कोई ड्रेस का गणवेश का वो नहीं आया है अभी, तो वो दिखवा लेते हैं क्या मैटर। पूरे प्रदेश में मैडम सिर्फ वही स्कूल पे लागू किया है, बच्चे ला भी रहे हैं और अभी किसानी का टाइम है, बच्चे परेशान है। उनका कहना है प्राचार्य का कि हमने आपको अवगत कराया है, हमारी एसी मैडम को अवगत कराया है ड्रेस कोड। नहीं, आपको अवगत कराया कि नहीं कराया? मेरे संज्ञान में अभी तक तो आया नहीं। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं साबिर, जिसे साबिर मंसूरी जी, जिस प्रकार से लगातार प्रचार की मनमानी खुलकर अब सामने आने लगी है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है मामले में? अभी तक कल तो संज्ञान में जो जिला शिक्षा अधिकारी है नेहा मेहरा को हमने अवगत कराया है, उन्होंने ये कहा कि मेरे को संज्ञान में नहीं है, मेरे को संज्ञान में आने के पश्चात कुछ कार्रवाई करूंगी। जिस प्रकार से लगातार इस तरह का मामला सामने आया है, जिम्मेदार अधिकारियों से आपने बात की होगी, उनका क्या कुछ रुख सामने आया पूरे मामले में? उनका यही कहना है कि हमने हमारे अधिकारियों को अवगत कराया, परंतु अधिकारियों ने यह कहा कि हमारे को कोई अवगत नहीं कराया है और न ही जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया है, जबकि प्राचार्य का यह कहना है कि हमने जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया है और जिला शिक्षा अधिकारी और जो जिला कलेक्टर है उसको भी अवगत कराया है, परंतु ये आदिवासी झाबुआ जिला है, यहाँ पे जो अभी खरीफ की फसल है, लोग बोनी के अंदर लग रहे हैं, इनके पास पैसा नहीं है,
तो इतनी 2500 की दो ड्रेस लावे तो लावे कहाँ से यहाँ पे। जिस प्रकार से पहले ही फीस महंगी है और उन सब के बीच एक बार फिर से ड्रेस, नई कॉपी किताब लाने का बोझ बढ़ गया है, इस पर क्या कुछ कहना है? देखो अभी यह बारिश का खरीफ का सीजन चल रहा है और बीज से लेकर खाद बीज से लेकर यह आदिवासी एरिया के अंदर सब किसान खरीद रहे हैं। और ऊपर से अभी जस्ट जैसे स्कूल का सत्र चालू हो गया है और प्रिंसिपल का जो यह बयान आया है, तुगले का बयान दिया है, मौखिक दिया है, वो भी राइटिंग में नहीं दिया है कि हमने ये दो ड्रेस कोड लागू कर दिए, जबकि पिछले साल का जो ड्रेस कोड था उसको यथावत रखते तो बच्चों के ऊपर और बच्चों के पालकों के ऊपर ये ड्रेस का अतिरिक्त तो भार नहीं पड़ता। बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद शाबिर। देश में लगातार तीसरी बार मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर और एनडीए की सरकार मतदाताओं द्वारा तीसरी बार चुने जाने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर कार्यक्रम को संचालित किया गया। इसमें विकसित भारत, भाजपा का संकल्प पत्र, मोदी जी की गारंटी समेत कई विषयों पर चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें कि भाजपा मतदाताओं का अभिनंदन करेगी और इसके अलावा 27 जून से 14 जुलाई तक कार्यक्रम होंगे जिसमें जेपी नड्डा भी शिरकत करते, यानी कि निर्देश पर ये बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा। और देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विकसित भारत, भाजपा का संकल्प और मोदी जी की गारंटी समेत कई विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया, सभी की सभी सारी सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जीतकर एक बार फिर से तीसरी बार कमल खिलाने का काम किया और जिसको लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ गुफरान खान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव में दबदबा कायम किया है मध्य प्रदेश में और अब बड़े कार्यक्रम का आयोजन है, क्या कुछ शेड्यूल? आज मिल पा रही है? जी मैम। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और अब बड़े कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, क्या कुछ शेड्यूल है? मैडम यहाँ पे अबकी बार तीसरी बार सरकार बन चुकी है भाजपा की। जी। जिस प्रकार से विकसित भारत, भाजपा का संकल्प पत्र, मोदी जी की गारंटी को लेकर चर्चा होगी, इस पर विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। हमारा संपर्क टूट गया है, तो वही आपको बता दें कि बड़े कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। सागर जिले के रैली में पीडब्ल्यूडी विभाग के महज 6 महीने पहले ही 84 लाख रुपए लागत की सड़क का निर्माण कार्य अभी हो नहीं पाया था कि पहली बारिश में सड़क निर्माण की पोल खुलकर नजर आ रही है। बताया ये जा रहा है कि रैली जबलपुर मार्ग से तीखी ग्राम को जोड़ने वाली सड़क से रोजाना 1000 परिवारों का आवागमन होता है और सड़क की बदहाल स्थिति से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही, बदहाली का शिकार हो चुकी है ये सड़क, जिसको लेकर एक बार फिर से भ्रष्टाचार की पोल खुलती हुई नजर आ रही। जिस प्रकार से लाखों रुपए की पुलिया शुरुआती बारिश में ही ढेर नजर आ रही है, वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से लोगों का आवागमन है, उनको आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। और इस खबर पर अपडेट के साथ हमारे साथ आशु दुबे लाइव जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही खुलकर उजागर हो चुकी है, आशु जी
जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ अपडेट? ये पूरा मामला रहली से रहली जबलपुर मार्ग से निकलने वाला एक दिखी ग्राम है। अभी 6 महीने पहले ही पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्मित नव निर्माण काम चालू हुआ था। इसमें पहली थोड़ी सी बारिश में ये पुलिया खराशाई हो गई और यहाँ निकलने वाले वाहन और लोगों ने इस पे आपत्ति दर्ज कराई। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं एक बार फिर से ये सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। इस पूरे मामले में अधिकारियों से जब इस पूरे मामले को लेकर बर्जन मांगने की कोशिश की गई तो अधिकारियों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और वहीं स्थानीय लोगों ने जब निर्माणाधीन सड़क बनाई जा रही थी तब भी आपत्ति दर्ज कराई थी और आज वर्तमान में बात की जाए तो अधिकारियों ने अपना पल्ला झाड़ कर दूर खड़े हुए। जिस प्रकार से सड़क एक बार फिर से बदहाल स्थिति में है, तो वही जिम्मेदार अधिकारियों का इस पे पूरा क्या मामला खुलकर सामने आ रहा है, उन्होंने इस पर अपनी सफाई पेश करते हुए क्या कहा? इस पूरे मामले को लेकर जब हमने उससे जवाब मांगा अधिकारियों से तो अधिकारियों ने जवाब देने की जगह रातों रात उसका मेंटेनेंस करा दिया और पूरे मामले को भ्रष्टाचार के लिए दबाने की कोशिश की गई। अभी तक अधिकारियों ने कुछ भी कैमरे के सामने कहने से इनकार कर दिया है। हम अपडेट के लिए धन्यवाद। झाबुआ जिले के नगर पालिका परिषद के कार्यालय में नगर पालिका ऑफिस की दीवार पर नोटिस चस्पा किया गया है, जिसमें बिचौलियों से सावधान रहने की हिदायत दी गई है। साथ ही नोटिस पर नगर पालिका अध्यक्ष और सीमओ ने अपने मोबाइल नंबर भी लिखवाए हैं। पब्लिक से जुड़े काम है उसमें काम पारदर्शी तरीके से हो जाए, किसी कोई अगर मान लो कि कोई बिचौलिया आ जाते हैं तो उनको पैसे वसूलने दे। सर ऐसी आपको क्या शंका थी कि बीच में कुछ बिचौलिया आ रहे हैं नगर पालिका के अंदर? नहीं, ऐसा कोई शंका वाला मुद्दा तो नहीं था। बाकी हम तो हमारी एक कम से कम लोगों की है, भाई किसी और केस में ना जाए, हमारे पास डायरेक्ट आ जाए और नीचे जो भी है रेवेन्यू में बस मिल लें। सर अपने यहाँ सीसीटीवी कैमरे हैं क्या? सर सीसीटीवी नहीं है हमारे यहाँ पे, अभी नहीं लगा रखे ना। सर अभी बीच में कुछ ऐसे जन चौराहे पे चर्चा चली थी कि नगर परिषद लोगों से अपील की है, जिसको लेकर नोटिस पे चस्पा किया गया है। तो वही बिचौलियों से सावधान रहने की सलाह दी गई है। वही झाबुआ जिले के नगर पालिका परिषद के कार्यालय में नगर पालिका ऑफिस की दीवार पर ये नोटिस चस्पा कर दिया गया है, जिसमें बिचौलियों से सावधान रहने की हिदायत दी गई है। तो वहीं साथ ही नोटिस पर नगर पालिका अध्यक्ष और सीमओ ने अपने मोबाइल नंबर भी लिखवाए हैं। तो वहीं बिचौलियों से सावधान रहने के लिए बड़ा नोटिस चस्पा किया गया है और लोगों से लगातार सावधानी बरतने की अपील की गई है। तो वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने इसको लेकर ये अपील की है। झाबुआ जिले की नगर पालिका परिषद के कार्यालय में नगर पालिका ऑफिस की दीवार पर यह नोटिस चस्पा की गई है, जिसमें बिचौलियों से सावधान रहने की साफ तौर पर हिदायत दी गई है। और साथ ही नोटिस पर नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ ने अपने मोबाइल नंबर भी लिखवा दिए हैं, जिससे लोग सतर्क रहें। और खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ गौरी शंकर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से बिचौलियों से सावधान रहने की अपील की गई है, गौरी शंकर जी। जी बता दें आरती जी कि जिला मुख्यालय सिवनी से 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित घनसौर विकास खंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घनसौर में हमेशा इस टाइप की वारदातें होती रहती हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। ये नोटिस किस लिए चस्पा की गई है वहां पर? हेलो हेलो गौरी शंकर जी, नगर पालिका की तरफ से इस नोटिस को क्यों चस्पा किया गया है? आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? तो वही हमारा संपर्क टूट गया है। तो वही आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष ने लोगों से नोटिस चस्पा करके अपील की है। घनसौर जिला मुख्यालय में 100 किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मानवता को तार तार करने वाला मामला सामने आया है,
जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को गाड़ी देने से पहले 2000 की रिश्वत की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय थाना क्षेत्र अंतर्गत गोटखेड़ा गांव में एक युवक को करंट लगा और घटना स्थल पर उसकी मौत हो गई, जिसके पीएम के लिए पुलिस ने यानी कि पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने बॉडी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घनसौर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम के बाद परिजन जब बॉडी लेने पहुंचे तो परिजनों से 2000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई। जी वहाँ तो अब क्या है, जो स्वीपर रहते हैं आज मोहन वहाँ थे, अपने सहायक पीएम सहायक, तो उन्होंने पूरा अरेंज रखे थे। फिर हमें कॉल आया कि सर पीएम है, तो हम जाके करके पीएम कंडक्ट किए और पीएम करके हमने हैंड ओवर करके जो उधर हेड कॉन्स्टेबल थे परवेज सिद्दीकी उनको हैंड ओवर करके, और फिर हम यहाँ नहा नहीं आ गए थे। फिर पेशेंट इमरजेंसी थे तो इमरजेंसी देखे थे, अतः हमें इस तरह की तो कोई जानकारी नहीं है कि किसी ने पैसा दिया है हमारे समय सामने किसी तरह का लेन देन नहीं हुआ है। यहाँ पीएम दिल्ली आए, पीएम हुआ लेकिन पहले उसने पैसे मांगा, पीएम किया और दरवाज़ा लगा के बाहर घूमने लगा, तब तक पैसे न मिले तो उसने बॉडी सौंपा। किसने पैसे मांगा? वो जो पोस्टमार्टम किया था उसका तो नाम नहीं जानता मैं, सकल से जानता हूँ। कितने पैसे लिया? 2000 रुपये दिया। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ गौरी शंकर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से गौरी शंकर जी, जिस प्रकार से लगातार अब लाश का भी सौदा होता हुआ नजर आ रहा है। घनसौर सिवनी जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूरी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घनसौर में विगत मानवता को तार तार कर देने वाली एक मामला सामने आया है, जिसपे पीएम के बाद जो है 2000 रुपए की रिश्वत मांगी जाती है और डेड बॉडी देने से इनकार किया जाता है। ये मामला कल घनसौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सामने आया। जिस प्रकार से डॉक्टरों की मानवता को शमशार करने वाला ये पूरा मामला खुलकर अब उजागर हो चुका है, अभी तक कितने अधिकारियों यानी कि डॉक्टरों पर कार्रवाई की गाज गिर चुकी है? क्या है बता दें कि मध्य प्रदेश शासन भले ही लोगों को सुविधा देने के लिए लाख योजनाएं चलाए पर धरातल में कुछ दिखाई नहीं देता, ये लोगों का कहना है जी। और यहाँ की आम जनता इसी बात को लेकर बहुत परेशान है जी। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। देश के चारों शंकराचार्य द्वारा यानी कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग सालों से उठाई जा रही है और उन्हीं का अनुसरण करते हुए शिष्य मंडल के राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रीय गौ रक्षा संघ से जुड़ी ब्रह्मचारी आशुतोष महाराज ने ओमकारेश्वर से दंडवत यात्रा शुरू करते हुए नरसिंहपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहाँ उन्होंने कलेक्ट्रेट को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और साथ ही प्रधानमंत्री के नाम पर ये ज्ञापन सौंपा गया है। प्रधानमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट को ये ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन सौंपा गया है संत आशुतोष महाराज द्वारा। किन जिक्रों का वर्णन है इसमें? इसके गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की इनके द्वारा मांग की गई है और प्रधानमंत्री जी के नाम से इनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है ये ज्ञापन प्रधानमंत्री के यहाँ पहुँचा गया, विशेष नंदी महाराज को राष्ट्रमाता ज्ञापन आपका जो है। थैंक यू सिद्धार्थ प्रेसिडेंट, मैं आपको बतलाता चलूं, मुझे प्रेरणा हुई, माँ नर्मदा जी ने मुझे दर्शन दिया कि मैं नर्मदा परिक्रमा में निकलूं, तो मैं नर्मदा परिक्रमा में जैसे ही निकला तो उस समय जो संकल्प था मेरा गौरक्षा और मम दीक्षा, तो उसके लिए गौ प्रतिष्ठा आंदोलन पूज्य शंकराचार्यों चारों मठों के शंकराचार्यों द्वारा जो आंदोलन चल रहा है गौ प्रतिष्ठा आंदोलन गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का, तो उसी में मैंने जब तक नंदी भगवान को राष्ट्रपिता के पद पर न सुशोभित किया जाए तब तक ये आंदोलन अधूरा है, तो मैंने इस दंडवत परिक्रमा यात्रा में नर्मदा यात्रा में दंडवत परिक्रमा यात्रा में ये मांग रख दी। प्राइम मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। तेंदुखेड़ा के नंबर 1 विश्वसनीय आभूषणों में से एक
रूसिया ज्वेलर्स 85 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित, जहां आपको सबसे कम ब्याज दर पर जेवर गिरवी रखा जाता है एवं मार्केट से सबसे कम बनवाई पर हॉलमार्क आभूषण उपलब्ध है। नई आबादी सराफा मार्केट मंडी रोड तेंदुखेड़ा मध्य प्रदेश। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य, शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड देवरी, जिला रायसेन, एडमिशन ओपन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार देवरी, जिला रायसेन। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात, सीरा बेस्ट हेल्थ केयर, हैप्पी फैमिली। पता अपश्ती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 1923815530। सालों से लोगों के स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। मिनटों में जानेंगे आप अपने शहर का हाल।